बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं अली कामरान काज़मी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि वज़ीर आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसकी लास्ट डेट भी आ चुकी है। तो आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वो तमाम दोस्त जो कि प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम के अंदर अपनी एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, वो इस वीडियो को कम्प्लीट देखें और चेक कर लेंगे किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या तरीके का है। ये फेज़ 4 है, जिसके अंदर जो है वो डेट आई है। तो मैं अब आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, laptop.pmyp.gov.pk, ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप लोग दोस्त इस लिंक पे जाके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि इफ एनी क्यूरी किसी भी किस्म की, जो अगर आप हडल्स महसूस करें, तो फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, इसके ऊपर जाके आप जो है वो इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या तरीक़ेकार है। अच्छा, अगर किसी ने अपने पुराने उसका एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना हो तो वो यहाँ से देख सकता है। लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पर आ रहा है। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल देता चलूँ कि यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास डिटेल आ जाएगी कि अगर मैं आपको ये दिखाऊँ तो आखिरी तारीख जो है इसके अंदर वज़ीर आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम के अंदर अप्लाई करने की, वो 20 जून 2023 रखी गई है। तकरीबन 1 लाख जो आपके जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, ओनहार तालबे इल्म, उनको जो है वो पूरे मुल्क से 1 लाख तालबे इल्मों को ये लैपटॉप दिए जाएंगे। इसके अंदर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस फेज 2022-2023 के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो मैं आपको बताता चलूं कि एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ और एलिजिबल क्राइटेरिया इसके अंदर ये कि स्टूडेंट्स इनरोल नॉट अर्लियर देन देयर रिस्पेक्टिव प्रोग्राम ड्यूरेशन एज पर द टेबल लॉ। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इस पीरियड के अंदर अप्लाई किया है वो इसके अंदर अप्लाई करने के अहल हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने PhD की है 30 जून 2018 से लेकर 30 जून 2023 के दरमियान वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन में 5 साल का बनता है। MS MPhil के स्टूडेंट्स वो 30 जून 2021 से लेकर 30 जून 2023 तक के हैं। MBA जो है वो 3.5 साल का होता है, वो 2019 से लेकर 2023 तक के तालबे में अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स को इसी तरीके से अंडर ग्रेजुएट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो इन एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इससे पहले किसी भी किस्म की गवर्नमेंट की स्कीम से अगर लैपटॉप लिया होगा तो वो जो है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा अगर तो बात की जाए जो फॉरनर नेशनल्स होते हैं वो भी जो है वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एनीवेज, मैं इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अंदर अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका URL है, इस URL को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास खोल देगा ऑप्शन के किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। देख सकते हैं कि जून 20 2023 लिखा हुआ आ रहा है यूथ लोन प्रोग्राम के अंदर आपको, ठीक है। अब ये आपके पास डिस्क्रिप्शन खुल रही है, इसी तरीके से आप इसके अंदर डाउनलोड कर लेंगे और इसके अंदर जाके आप अपने रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। यहाँ से अगर हम देखें तो ये यहाँ पे आके आपको तमाम किस्म की जो ऑप्शंस हैं वो मिल जाएंगे। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, फिलअप करने का तरीका जो है वो आपको पूरे का पूरा आपको पता चल जाएगा। आप इसके लिंक में जाके अप्लाई कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि पूरी जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान की, उनका डेटा यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। इन यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। बलूचिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ तुर्बत, यूनिवर्सिटी ऑफ लोरा रई, सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी क्वेटा, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुजदार, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ वो हैं जो इनसे आप अप्लाई कर सकते हैं। बोलान यूनिवर्सिटीज़, उसके अलावा ग्वादर की यूनिवर्सिटी, फेडरल के अंदर भेरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद,
नेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्र इस्लामाबाद, एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद। फिर आप नीचे आ जाएं तो आपके पास है फेडरली के अंदर से है, फिर उसके बाद है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान, शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी पिशावर, गोमल यूनिवर्सिटी डी आई खान, हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसेहरा। तो ये एक लंबी लिस्ट है मेरे दोस्तों, आप इसके अंदर से अपनी यूनिवर्सिटी तलाश कर सकते हैं और उसके बाद इसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल मैं आप लोगों को इस लिंक के साथ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि आप लोग कंप्लीट वहाँ से भी पढ़ सकें। लास्ट डेट जो है वो इसकी 20 जून 2023 है, 20 जून तक आपने अप्लाई करना है। जो भी बच्चे इसके अंदर एलिजिबल होंगे उनको लैपटॉप उनकी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस के थ्रू उनको दिए जाएंगे। उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।